क्या हाल है मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं होगी गेम पोर्टल 2.2 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलने वाले हैं अपने माइनक्राफ्ट सीरीज का अगला पार्ट। लेकिन अरे ये क्या ये दुनिया कैसे बदल गई? मैं तो अपने वर्ल्ड में हूँ ही नहीं। मैं कहाँ आ गया भाई? अरे ये कौन सी जगह है? नहीं नहीं इसे लगती है, वाह क्या टेक्सचर है, ये माइनक्राफ्ट तो नहीं लगता। अरे इतनी ऊंची सीढ़िया, लगता है ये तो स्वर्ग तक जाती है। अरे क्या करूं, भैया जैक भी नहीं है, क्या करेंगे हम? आज मैं पूरी तरीके से अकेला हूँ, पता नहीं क्या करना है। ये सीढ़िया सामने दिख रही है, लगता है इसी में चढ़ना होगा। अरे सामने तो एक घोड़ा भी दिख रहा है, लगता है इसी का यूज करना है। अरे ये बेचारा तो फेंस से बना हुआ है, लेकिन इसे टेम कैसे करूं? अरे यहाँ एक चेस्ट है, अरे इसमें क्या है देखता हूँ। अरे वाह इसमें एक सैडल है, यानी कि इस सैडल का यूज करना है और घोड़े को टेम करना है। तो घोड़े भाई प्लीज मुझे चढ़ने दो, मुझे चढ़ने दो, प्लीज टेम हो जाओ घोड़े भैया, मुझे उस सीढ़ी में चढ़ना है आपकी सहायता से और ऊपर जाना है। पता नहीं हमें ऊपर क्या मिलेगा और पता नहीं ये सीढ़िया कितनी ऊपर तक है। अरे मुझे गिरा दिया, रुको फिर से कोशिश करता हूँ। अरे घोड़े भैया चढ़ने दो, फिर गिरा दिया, समझ नहीं आता टेम क्यों नहीं हो रहे हो, मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो, टेम हो जाओ। अरे वाह हार्ट निकल गए, टेम हो गए, क्या बात है। अब ये जो सैडल मेरे पास है उसको लगा देता हूँ, अब तुम जहाँ चाहोगे मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ तुम जाओगे। तो एक काम करता हूँ, तुमको फेंस से खोल देता हूँ, तो सबसे पहले उतरना होगा। अब ये फेंस निकल गया, अब चलो घोड़े भैया हम चलते हैं सीढ़ियों में जहाँ तक जाती है ये सीढ़िया, चलो घोड़े भैया लेट्स गो। अरे वाह देखो तो क्या मस्त लग रहा है, क्या अच्छे तरीके से बैठा हूँ मैं। अरे संभल कर चढ़ना, गिर ना जाऊं, कितना ऊंचा है, वहां से गिरेंगे तो मर ही जाएंगे। अरे वाह यहाँ तो एक पास में एक विलेज भी है। अरे देखो तो क्या मस्त लग रहा है, वाह अरे वाह कितना अच्छा टेक्सचर है, कितना अच्छा घोड़ा है। चलिए सीढ़ी पे चढ़ते हैं, कहाँ तक जाएगी ये सीढ़िया पता नहीं क्या आ जाती है। हो यहाँ तो एक पीगी है, लगता है घोड़े भैया हमारा साथ यहीं तक था। रुक जाओ मैं अब आगे इस पीगी में जाऊंगा। हो यहाँ भी एक चेस्ट है, तो बेगी भैया लगता है अब आगे तुमको टेम करना पड़ेगा, लगता है ऐसे ही करके मुझे आगे जाना पड़ेगा। तो इस चेस्ट में क्या है? ओके एक सैडल है और साथ में एक कैरेट में स्टिक भी है। अच्छा समझ में आया क्या करना है। तो बेगी रुक जाओ, इधर आओ बेगी, सैडल तो लगा दूं, ये सैडल लग गया, अब इसके ऊपर चढ़ता हूँ। ये रे ये मैंने चढ़ लिया, बढ़िया, अब यहाँ से इसको हटा भी देता हूँ। अब कैरेट का स्टिक से इसे आगे बढ़ाता हूँ, बढ़िया बढ़िया बेगी हमें यहाँ जाना है, चलो यहाँ जाते हैं। मुझे तो लगता है कि ये सीढ़ियाँ चांद तक जाती होगी, इतनी ऊंची सीढ़ियाँ पता नहीं किसने बनाई यहाँ पर। जब मैं वापस घर जाऊँगा तो भैया को इसके बारे में बताऊँगा कि इतनी ऊंची सीढ़ियाँ उन्होंने भी कहीं नहीं देखी होगी। देखना बेगी संभाल के, गिराना नहीं, क्योंकि यहाँ से गिरे तो हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी, सब चूरा चूरा हो जाएगा। अरे ये क्या है, लगता है पिगी को भी यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तो बेगी भाई सॉरी हमारा साथ यहीं तक था, अब आगे जाते हैं देखते हैं कि ये क्या है। ये तो डोंकी लगता है, और डोंकी भैया क्या तुम मुझे आगे ले जाओगे? ये देखो यहाँ भी एक सैडल रखा हुआ है, तो लगता है तुमको भी टेम करना पड़ेगा उस घोड़े की तरह। तो अरे मुझे गिरा दिया करे कहीं के, चढ़ने दो मुझ में, चढ़ने दो मुझको, देखो अरे वाह लगता है टेम हो गया, लेकिन हार्ट तो नहीं निकले, अब क्या करूं। हो इसने भी मुझे गिरा दिया, अरे गधे टेम हो जा, क्यों नखरे दिखाता है, टेम हो जा, मैं एक पिल्ला हूं तो क्या मुझको चढ़ने नहीं देगा। चलो अब टेम हो गया कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं इस पे भी सैडल लगा देते हैं और उसके बाद इसको भी खोल देंगे। तो ये लग गया सैडल, अब इसको भी कूटे से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि फेंस से बंधा हुआ है, इसको भी खोल देते हैं ताकि हम इस पे आगे जा सकें। तो चलिए गधे भैया हम आगे चलते हैं। तो चलिए मिस्टर डोंकी करते हैं हांकी पांकी। अरे वाह ये दो राइम बन गया, चलो आगे चलता हूँ, वाह
ये सीढ़ियाँ तो बहुत ऊँची लगती है, बहुत ऊँची जा रही है, पता नहीं कहाँ जाकर ये सीढ़ियाँ खत्म होंगी। अब हम जितना ऊँचा जाते जा रहे हैं मुझको डर लग रहा है, क्योंकि अगर एक घोड़ा या ये गधा अगर कहीं से फिसल गया तो हमारा क्या होगा। ये तो मरेगा लेकिन मुझको भी मराएगा। आराम से गधे भैया, इतना स्पीड नहीं, आराम से। अरे ये क्या, यहाँ भी एक गधा है, यहाँ तो दो दो डोंकी है, चलो अब इसमें चढ़ के देखता हूँ। तो डोंकी भैया आप बहुत किनारे खड़े हुए हैं, अगर आपके ऊपर चढ़ा तो आप मुझे गिरा देंगे। रुको थोड़ा सामने आने दो, लगता है अभी ये कुछ नहीं कर रहा, लगता है टेम हो गया। आराम से डोंकी भैया, गिराना नहीं। अरे यहाँ भी सैडल रखा हुआ है, तो लगता है इसके ऊपर भी सैडल चढ़ाना पड़ेगा। तो भाई आ जाओ, मुझे चढ़ने दो, गिराना नहीं। अरे फिर से गिरा दिया, रुको आराम से, लगता है टेम हो गया। अरे नहीं हुआ, अरे भाई टेम हो जा, अभी और आगे जाना है, रुक जा। अरे लगता है टेम नहीं हुआ अभी तक, क्या करूं, फिर से कोशिश करता हूँ। हो जा भाई टेम हो जा, कितनी देर लगाएगा, अभी और ऊपर जाना है। ओ अरे फिर से गिरा दिया मुझे, लगता है तो ऐसे नहीं मारेगा, तुझे एक हंटर मारना ही पड़ेगा। हंटर का नाम सुनते तो अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं, तू क्या चीज है। अरे भाई ये टेम क्यों नहीं हो रहा। अरे टेम हो जा, टेम हो जा, अरे फिर से गिरा दिया, अरे टेम हो जा भाई, अरे फिर से गिरा दिया। अरे परेशान हो गया हूँ, बहुत बदतमीज है ये, टेम ही नहीं होता। अरे भाई टेम हो गए तब तो हम आगे जाएंगे, लगता है टेम होने वाला है। अरे वाह हार्ट निकल गए, लगता है ये भी टेम हो गया, तो चलो इसको भी सैडल पहना देते हैं। लेकिन ये गधा नहीं, ये तो म्यूल है। ये म्यूल क्या होते हैं भाई, क्या ये गधे नहीं होते या डोंकी नहीं होते, तो ये क्या होते हैं, दिखते तो बिल्कुल डोंकी जैसे हैं। तो अरे ये कितने स्पीड चल रहा है, और यहाँ जाके रैम खत्म हो गया, ये क्या अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, बस ये रैम यहीं तक था। ओके तो अब मैं टॉप पर आ चुका हूँ, अब क्या करना है, अब बताओ भाई क्या करना है, समझ नहीं आ रहा। नीचे तो बहुत बड़ी खाई है, नीचे गिरेंगे तो मर जाएंगे, पर वर्ल्ड कितना अच्छा लग रहा है ऊपर से देखो तो, वाह कितना सुंदर लग रहा है ये। अब यहाँ से नीचे उतरते हैं, एक बार मैं जंप करके देखता हूँ कैसा होता है। अरे भाई मैं तो गिर रहा हूँ, अरे बचाओ, ओह मर गया बेचारा म्यूल, सॉरी भाई मैं ये नहीं चाहता था, पर कोई बात नहीं एक बार और कोशिश करते हैं। देखिए अब मैं जानता था ऊपर से आ जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, अब एक काम करता हूँ इसे दौड़ते हुए पार करता हूँ। देखो ये भी एक तरीका है पार करने का, फिर ऊपर जो गधा है उसी से मैं नीचे भी उतर जाऊंगा। देखो कैसे तेजी से मैं पार कर लेता हूँ इसे, मजा आया भाई। इन सीढ़ियों में चढ़ के मजा आया, और थोड़ा सा भी स्लिप होते तो हम नीचे गिर जाते, लेकिन बहुत अच्छा साथ दिया मेरे जो भी साथी थे उन्होंने। अब वापस चलता हूँ ऊपर की तरफ, और देखता हूँ कहाँ गया वो गधा। अब शाम होने को आई है, उससे पहले जल्दी से नीचे उतरना पड़ेगा और पास वाले विलेज में जाना पड़ेगा, वरना ज़ॉम्बी हमें परेशान कर देंगे। तो ये रहा वो गधा, तो गधे भाई बैठने दो, चलो चलते हैं अब। और अब नीचे उतरने का टाइम आ गया है, देखो ये टॉप वाला फ्लोर है, अब यहाँ से हम नीचे उतरना चालू करते हैं। अरे वाह कैसे नीचे उतर रहे हैं, और कितनी स्पीड से नीचे उतर रहे हैं, देखा ना। अब जल्दी से नीचे उतर जाते हैं, अरे वाह दूर से लावा भी दिख रहा है, बढ़िया है ये बायोम तो कुछ अलग ही है। इस साइड जंगल है और इस साइड डेजर्ट है, वाह बढ़िया है। देखो हमारा पेगी भी है, और वहाँ पर जब मरे थे तो म्यूल का सामान भी पड़ा हुआ है, देखो दोस्त तुम्हारा दोस्त यहाँ पर मरा था। तो चलो अब नीचे उतरते हैं, वहाँ पर देखो एक घोड़ा वहाँ पर वेट कर रहा है, पर हमको तो नीचे जाना है। अरे ये क्या कलर कैसे चेंज हो गया, ऐसा लगता है कलर की दुनिया से अचानक हम ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में आ गए, और ये लो हम नीचे उतर गए, क्या बात है। अच्छा है पास में डेजर्ट है, पास में विलेज है, वहीं जाकर हम रुक सकते हैं, रात हो गई है भागना होगा। देखो वहां सामने रोशनी दिखाई दे रही है, तो वहीं चलते हैं, वरना यहाँ तो खूब सारे ज़ॉम्बी आ जाएंगे। देखो अरे वाह यहाँ पर कितने सारे
ज़ॉम्बी भी दिख रहे हैं, भागना होगा। वो विलेज है, वहाँ जाके आराम करूँगा। मैंने इतनी ऊँची सीढ़ियाँ जो चढ़ी है। अरे नहीं डोंकी, कहाँ फंस गए थे? अरे यहाँ तो क्रीपर है, भागना होगा। पर ये क्या, वहाँ ज़ॉम्बी, यहाँ क्रीपर, फंस गए। अच्छा हुआ यहाँ आयरन गोलम है, ये हमें बचा लेगा। अब कहाँ जाऊँ समझ नहीं आता। ये विलेज तो बहुत अच्छा लगता है, पर अब बस हो गया, बहुत हो गया। अब यहाँ से उतरना होगा और अब इस गेम को एंड करना होगा। तो ये था भाई वीडियो, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।